सेकंड क्लास स्पेशल मैट्रिसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को इस तरह डिफाइन करते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन। यदि ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है तो एम क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, ये हो गया रो मैट्रिक्स। यदि कॉलम मैट्रिक्स है तो एन शुड बी वन। स्क्वेयर मैट्रिक्स है तो एम इक्वल टू एन। अब आगे चलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? नंबर एक, वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नंबर दो, नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट हैं, दे ऑल शुड बी जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, वो होता है ए 11, ए 12, 22, 33, उनको छोड़ के बाकी सारे करने चाहिए जीरो होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स को इस प्रकार भी डिनोट किया जाता है, 11, 11। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? नंबर एक, वो एक स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नंबर दो, वो डायगोनल की प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, और उसके साथ साथ डायगोनल में तो ये जरूरी नहीं था कि नॉन डायगोनल में था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अब यहां पर स्केलर में कनेक्शन होता है कि डायगोनल एलिमेंट सारे सेम भी होने चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये एक प्रकार की स्पेशल स्केलर मैट्रिक्स होती है, जिस यानी कि एम इक्वल टू एन, ए आई जे इक्वल टू जीरो, आई इक्वल आई नॉट इक्वल टू जे। अब हमने स्केलर मैट्रिक्स में कहा था कि सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, और आइडेंटिटी में सारे डायगोनल एलिमेंट वन हो जाते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो एक बात और कह सकते हैं, आइडेंटिटी स्केलर होती है, स्केलर आइडेंटिटी हो नहीं हो जरूरी नहीं है। स्केलर डायगोनल होती है, डायगोनल जरूरी नहीं है स्केलर हो या ना हो। नेक्स्ट, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जहां पर इस एम और एन का इक्वल होना जरूरी नहीं है, अब सिर्फ इसमें कंडीशन एक ही है कि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एंड जे, एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। नेक्स्ट, अपर ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? यदि ए को आप ए आई जे ले लो एम क्रॉस एन, तो पहला तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नंबर दो, ए आई जे जीरो होना चाहिए और ऑल आई ग्रेटर देन। ये सारी बातें आपने पिछली क्लास में पढ़ी हैं, केवल रिवाइज कराई जा रही हैं। अपर ट्राई एंगुलर फॉर्म। अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में इस कंडीशन की जरूरत नहीं है,
जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो क्या होती है, स्केयर मैट्रिक्स, उसमें मैट्रिक्स का स्केयर होना जरूरी नहीं है, यानी ये कंडीशन हट जाएगी एंड ओनली दिस कंडीशन लोअर ट्राई एंगुलर फॉर्म ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। यदि फॉर्म है तो केवल ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे, और यदि यहां पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेनी हो तो क्या होगा वो देखिए, तो हमें यहां पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी पड़ेगी इसके साथ m इक्वल टू n। फॉर्म में स्केयर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में स्केयर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अपर में ए आई जे जीरो होगा जब i ग्रेटर देन जे है, लोअर में जब होगा जब i लेस देन। नेक्स्ट मैट्रिक्स परमुटेशन मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A which is made up only by zeros and ones with condition that once appears वंस, यानी एक हर एग्जैक्टली अपीयर्स एग्जैक्टली वंस, इन ईच रो एंड कॉलम। कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स जीरो और वन से बनी हो हर रो में और हर कॉलम में वन एक बार आए, बाकी क्या जाए जीरो। अब देखिए एग्जांपल नंबर सिक्स, हाउ मैनी थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स आर पॉसिबल। अब मैट्रिक्स के नाम हमने बनानी है डायगोनल मैट्रिक्स जिनकी एंट्री इस सेट से बिलोंग। अब डायगोनल एंट्री की, डायगोनल की क्या कंडीशन बताई थी, यहां जीरो यहां जीरो यहां जीरो यहां जीरो यहां जीरो यहां जीरो, थ्री एंट्रीज फ्री हैं। डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है तो यहां पर अभी चला ये तीनों सेम, तीनों अलग, तीन ये तीन एंट्री यहां पर आ सकती है कोई भी, यहां भी तीन पॉसिबिलिटी है यहां भी तीन पॉसिबिलिटी है, टोटल मिला के कितनी हो गई 27। ठीक है, यदि इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लिया जाता कि थ्री क्रॉस थ्री की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितनी होंगी जो इससे बने, अपर ट्रायंगुलर में हमने कंडीशन बताई थी ए आई जे जीरो होगा इफ आई इज ग्रेटर देन जे, तो ये कंडीशन तो ये आएगी ए 21 ए 31 और ए 32 ए 11 12 13, देखो ये है 12, ठीक है ए 12 ए 21 आई ग्रेटर देन जे जीरो जीरो एंड जीरो। ठीक है, ये होंगे तीन, ये होंगे छह नॉन जीरो,
ये जो कंडीशन है ये केवल इन तीन पॉइंट पर लगती है। तो यहाँ की पॉसिबिलिटी तीन 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 तीन, तो आंसर आ गया 3 raised to power 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8, या ट्रू फॉल्स में बताना है आपने। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ एन अपर ट्राई एंगुलर एंड ए लोअर ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है अपर ट्राइंगुलर भी होती है और लोअर ट्राइंगुलर भी होती है। यस ट्रू, क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स से नीचे वाले भी सारे जीरो होते हैं और ऊपर वाले भी सारे जीरो होते हैं। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहती है नीचे वाले जीरो बनाओ, लोअर ट्राइंगुलर कहती है ऊपर वाले जीरो बनाओ। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9, द नंबर ऑफ जीरोज आर पॉसिबल इन ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। स्केलर मैट्रिक्स में कितनी जीरो पॉसिबल है? डरनली बच्चे ये सोचते हैं, मैं तीन ऑर्डर तीन का एग्जांपल लेता हूं। स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें टोटल एंट्री होती है 9, तो ये 6 जीरो है, 9-3। तो यदि n की बात करें तो टोटल, यदि मैट्रिक्स n क्रॉस n की होती तो टोटल मैट्रिक्स में होती एंट्री हो सकती है n स्केयर। उसमें से n डायगोनल एंट्री छोड़ दें तो इतनी जीरो होंगी। बच्चों ऐसा नहीं, ये एक केस है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है, हाँ ये एंट्री तो जीरो होनी चाहिए, एक केस ये भी है कि ये भी सारी जीरो हो सकती। तो स्केलर मैट्रिक्स में दो पॉसिबिलिटी है, आइदर एन स्केयर माइनस एन एंट्रीज आर जीरो और एन स्केयर एंट्रीज आर जीरो। यदि ये नॉन जीरो है तो ये आंसर आएगा, और ये भी जीरो है तो ये आंसर आएगा, तो ये एग्जैक्ट आंसर बनेगा। करेक्ट। तो आज की क्लास का खरखर ये खत्म, कल अगली क्लास में ऑपरेशन और मैट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है।